नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में आप सबका स्वागत करती हूं। आइए समझते हैं वन संरक्षण या संशोधन विधेयक 2023 को। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु मंत्री द्वारा वन संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया गया है। संशोधन विधेयक को वन अधिनियम 1980 की कुछ विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। 1980 के अधिनियम की कुछ विसंगतियों के चलते वर्ष 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले द्वारा देश भर में पेड़ों की कटाई को निलंबित कर दिया था। साथ ही वन अधिनियम को उन सभी भूमि स्थलों पर भी लागू कर दिया था जो जंगलों से मिलते जुलते थे। आपको बता दें कि स्वतंत्रता के बाद वन भूमि के विशाल क्षेत्रों को आरक्षित और संरक्षित वनों के रूप में नामित किया गया था, लेकिन कई वन क्षेत्र इसमें शामिल नहीं किए गए थे। वर्ष 2021 की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 28% वन आवरण भूमि वन के रूप में आरक्षित नहीं है। वन संशोधन विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य केवल वन के रूप में दर्ज भूमि तक ही 1980 के अधिनियम को सीमित करना है। साथ ही प्रस्तावित संशोधन में वृक्षारोपण द्वारा वन कार्बन स्टॉक का निर्माण करने और इसे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। संशोधन विधेयक 2023 में केंद्र द्वारा विकास परियोजनाओं के लिए डाइवर्ट की गई वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी प्रावधान है। वन संशोधन विधेयक 2023 में वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत चिड़ियाघर और सफारी बनाने, इको टूरिज्म सुविधाएं प्रदान करने और सिल्वी कल्चर ऑपरेशंस द्वारा वन वृद्धि को बढ़ाने आदि के भी प्रावधान है। संशोधन विधेयक मूल अधिनियम में कुछ प्रावधानों में जैसे सरकार द्वारा अनुरक्षित रेल लाइन या सार्वजनिक सड़क के किनारे की वन भूमि, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ 100 किलोमीटर के भीतर स्थित भूमि पर सड़क या अन्य सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे आदि के निर्माण के लिए भी छूट देता है। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।